जेसन रॉय, आई मीन खिलाड़ी कमाल का है, बहुत तगड़ा प्लेयर है ये हम सब जानते हैं। और थोड़े से मैं तो थोड़ा सा इनसे नाराज हूँ इसलिए क्योंकि आईपीएल खेलने नहीं आए थे। इन्होंने कहा भाई वो बाय बबल है, मैं बड़ा थक जाता हूँ, ऑल ऑफ दैट ही डिडंट कम, आई फेल्ट वेरी बैड। हालांकि गुजरात वाले कह रहे हैं कोई बात नहीं, वी आर फाइन, आप मत आइए, वी आर ओके, बट देन यहाँ पर देखिए अब आपको इनको आउट करना है, इनको आउट करना है और इनको आउट करना है। और ये खिलाड़ी बड़ा कमाल का है, ये बंदा भी जब पिटाई करनी शुरू करता है तो रुकने का नाम नहीं लेता और ये नई गेंद से आपकी पिटाई करना शुरू करता है, ही गोज आफ्टर यू राइट फ्रॉम बॉल वन। तो इनके पास, इनको आउट करने का तरीका क्या है, इनको खामोश रखने का तरीका क्या है? आई थिंक द बॉल हैज टू स्विंग और यू हैव टू मेक द बॉल मूव। अगर ये सीधी गति सीधी गेंदें डालेंगे और अगर उसमें मूवमेंट नहीं है तो ये अकेले आपकी पिटाई करते रहेंगे हमेशा। आप इनका ना कुछ है अलग अंदाज खेलने का, ये थोड़ा सा ऐसे पाउंड जमाते हैं, थोड़े से एक बार क्रॉस बैक से भी सामने इस प्रकार से शॉट मारते हैं और सामने थ्रू दी ऑफ साइड, ही इज अ गन प्लेयर। तो थोड़ा सा स्विंग करवाएं, हवा में स्विंग हो तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश कीजिए कि गेंद अंदर आए, अंदर की तरफ गेंद को आप शुरुआत में लेकर आइए। बैक पैड में कई बार गैप बनता है और उस बैक पैड में जब गैप बने तो वहां आप उनको आउट करने का प्रयास कर सकते हैं, इज व्हाट आई फील। फास्ट बोलर्स आप ये काम कीजिए, स्विंग ढूंढिए अगर हो सकती है तो, और अगर नहीं हो रहा है तो स्लो चेंज ऑफ पेस वो आपका सेकंड गो टू प्लान है। पर स्पिनर्स क्या करें, स्पिनर्स मैं इनको कहूंगा कि इनको थोड़ा सा और बाहर डालिए, थोड़ा सा आप इनको ड्रैग कीजिए कि ओवर कवर ये शॉट मारे, कुछ इस प्रकार से शॉट मारे। ये कोशिश आपको करेंगे सामने मारने की, बहुत अच्छे इनके डाउन द ग्राउंड वाले जेसन रॉय के शॉट्स हैं, पर अगर आप उनको वहां मारने के लिए मजबूर करते हैं कि मुझे कवर्स के ऊपर से मारिए, मुझे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारिए, देयर इज अ गुड चांस दैट ही माइट गेट आउट। क्योंकि वहां पे भी ये ऐसे सीधे बल्ले से नहीं जाएंगे, वो थोड़ा सा बल्ले को तिरछा करेंगे और सामने इस प्रकार से वो लॉन्ग ऑफ की तरफ भी मारने का प्रयास जो है वो ऐसे बल्ले के साथ करेंगे। तो इनको आप थोड़ा धीमा डाल सकते हैं, इनको आप थोड़ा धीमा डालिए क्योंकि स्टेप आउट करके नहीं मारेंगे, ये खड़े खड़े मारने का प्रयास करेंगे। ऐसे बल्लेबाज को आप धीमा डालिए, थोड़ा सा बाहर डालिए एंड कोशिश कीजिए कि उस दिशा में मारें, सामने की तरफ ना मार पाए। जेसन को रोकना पड़ेगा क्योंकि जेसन जो है ना ये मतलब बिल्कुल फादर ऑफ T20 क्रिकेट बन जाते हैं जब ही अपनी अच्छी फॉर्म में होते हैं। सो फिर इनको करो आउट, फिर कहो ठीक है यार अगला बल्लेबाज जो आएगा उसको तो अपन लोग संभाल ही लेंगे।